लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, सब आप लोगों के पास लिखा हुआ है। नहीं लिखा हो, मेरे पास एक रजिस्टर किसी बच्चे का पड़ा होगा, मैं शेयर कर दूंगा, बट ऑलमोस्ट सभी के पास है, नहीं तो किसी ना किसी के पास होगा, शेयर कर देंगे। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अगर मैं फटाफट से रिकॉल करूं, वी से एसेट टू लायबिलिटी टू वेंडर, अगर वेंडर नहीं दिया तो वी टेक वेंडर एज बैलेंसिंग फिगर, बट एट टाइम्स वेंडर कैन बी टेकन एज ए बैलेंसिंग फिगर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन द सेंस वो मुझे ये बता देगा बिजनेस कितने का टेक ओवर हुआ, नहीं बताएगा, बस ये बता देगा मैंने 4 लाख दिए कैश में और 6 लाख के डिबेंचर, तो आ गया ना वेंडर 10 लाख। सो एट टाइम्स दिस वेंडर कैन बी नाउ कैलकुलेटेड इन टू वेज, एक तो सिंपल एंट्री से एसेट टू लाइबिलिटी, सो वेंडर कम्स एज, बट एट टाइम्स देयर कैन बी अ क्वेश्चन वेयर वेंडर कैन बी कैलकुलेटेड बिकॉज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एंट्री नंबर टू विच इज पेमेंट एंट्री एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट एंट्री नंबर थ्री कॉल्ड कितने डिबेंचर इश्यू करने हैं वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो देन ऑल्सो वी कैन गेट वेंडर एज बैलेंसिंग फिगर। नाउ एसेट लाइबिलिटी और वेंडर अगर मिल गया तो ऊपर बचा तो नीचे बचा तो फर्स्ट एंट्री का कॉन्सेप्ट गुडविल और कैपिटल रिजर्व का होता है, डिस्काउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सी एंट्री में, थर्ड एंट्री वेयर यू इश्यू डिबेंचर्स एंड देयर इफ द वैल्यू इज स्टिल लेफ्ट कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर, थर्ड एंट्री में ऊपर बचा तो नीचे बचा तो बेस्ड ऑन दैट हम फटाफट से 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, नॉट मोर, टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गोल्डन लिमिटेड, तो हम कौन है गोल्डन, हम कौन है गोल्डन लिमिटेड, क्या खरीदा हमने एसेट्स, क्या खरीदी हमने लायबिलिटीज, बट ये तो नहीं बताया कितने, ओके रुकना ना सुकृति, और उसने ये भी नहीं बताया कि आपने कितने डिबेंचर इश्यू किए, ये बता दिया यू आर इश्यूइंग एट ए प्रीमियम बट हाउ मेनी डिबेंचर्स, नहीं बताया, तो इसका मतलब इन दिस क्वेश्चन आई विल से एसेट्स अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिख दिया गंदा गंदा 5.5 करोड़, टू लाइबिलिटीज 1.26 करोड़, एंड टू किसका बिजनेस खरीदा, सिल्वर लिमिटेड का, सो टू सिल्वर लिमिटेड 4. We got our vendor as balancing figure. We got our vendor as balancing figure. Now, Silver Limited को आप क्या दे रहे हो? Debentures at a premium of 6%. तो मैंने यहाँ लिख दिया Silver Limited 4 crore 24 lakh to 6% debentures. नहीं, debenture का नाम क्या है? 8% debenture at a premium of, आप सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स विच इज 4 crore 24 lakh माइनस माइनस जीरो मींस इफ एनी अमाउंट इज पेड बाय चेक और बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हेन यू एक्सेप्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हेन यू एक्सेप्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज वी क्रिएट बिल पेबल, तो यहाँ पे हो सकता था पहले मुझे एक एंट्री पास करनी पड़ती कॉल्ड वेंडर टू बिल्स पेबल और मे बी वेंडर टू बैंक, नहीं है, डिवाइडेड बाय एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, एसपीआर कितना है, 6% किसका, सो यू विल डिवाइड बाय 530, तो आपका आ गया 80,000 नंबर्स, सो 80,000 लायबिलिटी हमेशा किससे बनती है, इंटरेस्ट भी किस पे कैलकुलेट होता है, थैंक यू, ये 4 crore, ये 24, सो द फर्स्ट क्वेश्चन वेयर वी गॉट वेंडर एज बैलेंसिंग फिगर फ्रॉम टॉप, I'll be doing one question straight away so that you can differentiate. Now straight away, let's jump to question number 19 so that you can differentiate. कि vendor comes as a balancing figure either ऊपर से और कई बार उल्टा जाके भी निकालना पड़ सकता है जो मैं बोल रहा था. For example, this question says we have purchased machinery from Nisha Limited. So first entry, machinery to, अगर मशीन की वैल्यू पता होती तो मैं निशा लिमिटेड भी लिख देता, और जरूरी थोड़ा है जब मैं बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूँ मैं एसेट्स और लायबिलिटी दोनों टेक ओवर करूंगा, खाली एसेट टेक ओवर कर रहा हूँ लाइक दिस, सो मशीनरी टू निशा, यहाँ पे कौन है, बट मेरे पास ना मशीन की वैल्यू एंड हेंस वेंडर की भी वैल्यू, तो मैं कह दूं कि वेंडर बैलेंसिंग फिगर नहीं,
अब शायद नीचे से ऊपर जाते हुए मुझे वेंडर निकालना पड़ेगा, देखते हैं कैसे। आगे कहते हैं वी हैव सेटल्ड निशा अकाउंट बाय इश्यूइंग इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ, इस बार उसने नंबर्स बता दिए, मुझे नंबर्स निकालने की जरूरत। सो व्हेन यू इश्यू द शेयर्स, निशा लिमिटेड इज द एंड व्हाट्स गोइंग आउट, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड दैट टू एट अ हाउ मेनी शेयर्स, 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो फेस वैल्यू कितना आ गया, 1 लाख। तो एसपीआर कितना, 10%, 10% किसका, 1 लाख का, विच इज 10,000। सो टोटल बिकम्स 1,10,000। देन वी ऑल्सो इश्यू डिबेंचर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। सो हु इज द रिसीवर, निशा लिमिटेड। डिस्काउंट फॉर ए बिजनेस इज एक्सपेंस एंड एक्सपेंस आर, सो डिस्काउंट अकाउंट एंड वॉट इज गोइंग आउट, 9% डिबेंचर्स। हाउ मेनी डिबेंचर्स, फिर से उसने नंबर्स दे दिए, नहीं तो नंबर्स मुझे पिछले क्वेश्चन में निकालने पड़े थे। सो 200 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज, सो टोटल 20,000। डिस्काउंट कितना, 10%, विच इज 2,000। तो निशा लिमिटेड में कितना बचा, मैंने और क्या दे दिया, आई ऑल्सो एक्सेप्टेड बैलेंस बाय एक्सेप्टिंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ पेबल आफ्टर 1 मंथ एंड एक्सेप्टिंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज बिल, बिल पेबल फॉर ए बिजनेस इज एंड लाइबिलिटीज आर टू बिल्स पेबल, हाउ मच, 50, 68, 1,70,000। सो आई गॉट, इस बार वेंडर नीचे से ऊपर जाते हुए, पिछली बार ऊपर से ही बैलेंसिंग फिगर डायरेक्टली आ गया और नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़े थे, यानी सेटलमेंट मुझे कैलकुलेट करना था, इस बार सेटलमेंट उन्होंने दिया हुआ था तो मुझे वेंडर कैलकुलेट करना पड़ा। सो दिस थिंग टू बी केप्ट इन माइंड, इट्स नॉट नेसेसरी दैट वेंडर विल कम एज ए बैलेंसिंग फिगर फ्रॉम एंट्री वन ओनली, इट कैन बी वाइल वर्किंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, वाइल वर्किंग इन द रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब आगे चलते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 17, अ कंपनी परचेज एसेट्स लाइबिलिटीज, ओके एसेट्स अकाउंट डेबिट 8 लाख, टू लाइबिलिटीज 1 लाख, किससे खरीदा है हमने ये, वाई लिमिटेड से, बट कितने का खरीदा नहीं बताया, ये तो सेटलमेंट की बात शुरू हो गई ना, यानी अगेन माय वेंडर कम्स एज फ्रॉम एंट्री नंबर 1। उसके बाद आपने वेंडर को क्या दिया, 2 लाख इमीडिएटली, सो हु इज द रिसीवर एंड व्हाट्स गोइंग आउट। नाउ बिना क्वेश्चन पढ़े रिया खन्ना और मुझे सबको पता है वाई लिमिटेड डेबिट कितने से, Y लिमिटेड डेबिट कितने से, 5 लाख। उसके बदले इससे पहले क्वेश्चन में क्या हुआ था, हमने ऐसे निकाला था नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड, कैसे टोटल कितना है, 7 लाख माइनस, पिछली बार 0 लिखा था, इस बार तो आप पे कर रही हो 2 लाख, डिवाइडेड बाय 9, 10 या 11। देखो इस बार क्या हो रहा है, कहता है हमने 4,75,000 के डिबेंचर दिए, यानी उसने डिबेंचर की फिर से आपको फेस वैल्यू बता दी। So what is going out, Riya? जो भी इसका नाम है, 10% debentures, 4 लाख। अरे अभी भी नीचे बच गया 25। इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ? SPR। तो थर्ड एंट्री में जब डिबेंचर या शेयर्स इश्यू करते हैं उसमें अगर बैलेंसिंग फिगर बचता है, नीचे बचा तो ऊपर बचा तो यहीं पे अगर 5-10 होता, 10,000 डेबिट में आ जाता तो आप उसको लिख देते डिस्काउंट। और प्लीज इन क्वेश्चन में एक छोटी सी बात और याद रखना, मेरे जैसा बदतमीज टीचर आपके नाम लिख देगा ऑल द अबव डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। तो कोई बात नहीं, व्हेनेवर एंड वेयरएवर रिडेम्पशन इज एट, करूंगा उसके भी क्वेश्चन बट इसमें भी मिक्स हो सकते हैं, व्हेनेवर एंड वेयरएवर रिडेम्पशन इज एट POR एंड लॉस ऑन इशू मे बी ऑन द इसमें थर्ड एंट्री इसमें होगा इशू वाली एंट्री, कब, अगर इसी क्वेश्चन में लिख दिया जाता that these debentures are redeemable at a premium, तो वो इसके साथ मिक्स करके भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। All right, we'll do one more question on this.
क्वेश्चन नंबर 18. Now question number 18 says, we are purchasing the business and we have to give entries in the books of Star Textile Limited. We purchase assets of Modern Textile as follows. So assets account debit, individually likhenge. Land and building, 25 or 40? Kyunki ideal kitne pe ho? 40. Plant and machinery, 10 lakh or 750? 750. फर्नीचर 3 लाख या 1 लाख? एंड वी हैव परचेज ऑल दिस. अच्छा मैं 1 लाख बोला बट लिखा, सॉरी, 1 लाख फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ कॉल्ड मैरीकॉम, यानी वेंडर. वेंडर बोले तो मॉडर्न लिमिटेड. कितना? 45 लाख. लेकिन यार ऊपर का टोटल कितना है? अब नीचे बचा तो कौन बोलेगा? कैपिटल. नीचे बचा तो और ऊपर बचा तो सिंपल. ऊपर बचा तो गुडविल, नीचे बचा तो. बट मेरा एक क्वेश्चन याद करना डिविज, मेरे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेना बच्चों. मैंने ओल्ड बैलेंस शीट दी थी, उसमें ओल्ड गुडविल भी थी, बट उसको हम टेक ओवर, क्योंकि गुडविल और कैपिटल रिजर्व कम एज, उसमें फिक्टिशियस एसेट भी थे. फिक्टिशियस एसेट्स आर इन द नेचर ऑफ एक्यूमुलेटेड, वो भी टेक ओवर. थैंक यू, ये बात याद रखना बच्चों. और अब आगे चलते हैं. अब ये क्वेश्चन और नॉर्मल क्वेश्चन मेरे लिए बराबर हो गए. कहते हैं दिस इज सेटल्ड बाय पेइंग 3 लाख इन कैश एंड बैलेंस बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट ए प्रीमियम. तो अब मैंने एक चीज और की. आप कहते हैं सर पेपर में टाइम कम होता है, कैन वी क्लब सेकेंड एंड थर्ड एंट्री में? यस. तो कैन आई से वेंडर जितने से डेबिट उतने, सॉरी क्रेडिट उतने से कितना? उसके बदले आपने उसे चेक कितने का दिया? 3 लाख. बाकी कितना बचा? इसके बदले आप उसे क्या दे रहे हो? डिबेंचर्स ऑफ 500 रुपीज एट ए प्रीमियम ऑफ, सो 5% ऑफ, क्योंकि इंटरेस्ट हो, डिस्काउंट हो, प्रीमियम हो, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन. तो 5% ऑफ 500 इज 25. सो आई विल डिवाइड इट बाय व्हिच इज 80,000. 8,000. So 2% debenture and 8,000 debenture into, क्योंकि liability is always with. इसी एंट्री में फिर से हर्षवर्धन वो लिख देता हूँ, these are redeemable at a premium. तो POR and loss on issue. All about one concept which was related to issue of debenture as. Sorry, issue of debenture for consideration other than cash. अब आ जाते हैं हम second concept पे. Issue of debenture as collateral security. Entry सबको आती है. When you take a loan, what is the entry? Bank account debit to bank. Because money is coming in and bank loan for a business is liability and liabilities are credited. अच्छा, now एंट्री नंबर 2, केस 1, नो एंट्री, बिकॉज ये झूठी मूठी का एसेट और झूठी. ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर थ्योरी में क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर एज विद हाइपोथेटिकल एग्जांपल. तो आप एग्जांपल ले लोगे, लेट्स टेक अ लोन ऑफ 50 लाख. लेट अस अज्यूम दैट वी हैव इश्यूड डिबेंचर्स ऑफ 60 लाख एज कोलैटरल सिक्योरिटी. ऑप्शन 1, नो एंट्री, बिकॉज इट इज जस्ट इश्यूड एज ए सिक्योरिटी. इस डिबेंचर के अगेंस्ट से मुझे कुछ नहीं मिला. ऑप्शन 2, व्हेन यू इश्यू द डिबेंचर, डिबेंचर्स आर गोइंग, व्हाट इज कमिंग इन? सो ये तो सस्पेंस हो गया. सो दैट्स व्हाई वी डेबिट डिबेंचर. एंड जान मुझ के मैं बोला करता था, अभी भी मैं ही बोलूंगा, डिबेंचर सस्पेंस इज ए झूठी मूठी का एसेट एंड दिस डिबेंचर इज ए झूठी मूठी की. ये वर्ड झूठी मूठी इसलिए बोलता हूं ताकि पेपर में पूछे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन ऑन दीज डिबेंचर. बाबा जी का ठुल्लू. अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन मींस इंटरेस्ट, क्योंकि ये तो मेरी लायबिलिटी नहीं है, ये तो एज ए सिक्योरिटी दी है. सो देयर इज नो फिक्स्ड कमिटमेंट अगेंस्ट दीज डिबेंचर बिकॉज दीज आर ओनली इश्यूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी. यानी इन डिबेंचर्स में मुझे इंटरेस्ट देने की जरूरत, वो एंट्री मांगे आप फिर भी एंट्री
लिख के आओगे बिकॉज दीज आर मेयरली अ सिक्योरिटी, इट इज नॉट अ डेट क्रिएटेड बाय द कंपनी। हाँ, बैंक लोन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये भी मैंने अपने टेस्ट पेपर में कवर किया था, तो वापस देख लेना। बात आती है बैलेंस शीट बनाने की। बैलेंस शीट में तो आपको पता है नॉन करेंट लायबिलिटी एंड डिबेंचर एंड बैंक लोन इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, करेंट ईयर प्रीवियस ईयर। अगर क्वेश्चन में डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है, अगर क्वेश्चन में डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है तो आप उसको कहां लिख दोगे, प्रीवियस ईयर। और करंट ईयर की फिगर के लिए आप क्या बनाओगे, नोट्स टू अकाउंट नंबर वन। अब नोट्स टू अकाउंट में आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। सबसे पहले प्लीज अपने स्कूल में पूछ लेना, क्योंकि सैंपल पेपर में उल्टा किया हुआ है। हर एक बुक में सीबीएसई आईएससी सीए बीकॉम डिबेंचर्स पहले लिखा जाता है, बैंक लोन बाद में। बट जो सैंपल पेपर का आंसर आया, मैंने स्पेशली कहा था चेक कर लेना, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन का मुझे आधा नंबर लूज नहीं करना। उसमें क्या लिखा हुआ है पहले, तो प्लीज चेक कर लेना। मैं अभी सैंपल पेपर फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि उसके ऊपर किसी ने भी अभी स्कूल में नहीं पूछा। मैं कह रहा हूं वापस पूछ लो, अभी चार दिन है हमारे पास, कि मैम शुड वी फॉलो सैंपल पेपर और शुड वी फॉलो बुक, बिकॉज बुक सेज इन द नोट्स टू अकाउंट फर्स्ट टू बी शोन इज डिबेंचर्स एंड देन टू बी शोन इज, हालांकि आंसर तो सेम आना है, इट्स जस्ट द प्रेजेंटेशन, व्हाई शुड आई टेक अ चांस। ओके, बैंक लोन कितने का लिया, 50 लाख। परसेंटेज डिबेंचर कैसे लिखोगे, इधर देखो दिविज, ओपनिंग बैलेंस और उसके बाद मन्नत चावला, ओपनिंग बैलेंस मींस जो भी क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस होगा, प्लस आपकी इन एंट्रीज में आपने जितनी बार भी डिबेंचर्स को क्रेडिट किया उसको क्या कर दो, ऐड। यानी जितने भी इश्यू किए उन्हें क्या कर दो, ऐड, चाहे वो फिक्टिशियस वाले हैं चाहे वो रियल वाले हैं, सब डिबेंचर को इसमें कर दो ऐड। लाइक हमारे इस एग्जांपल में मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट से डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस था 10 लाख, तो मैं यहाँ पे भी कितना लिखूंगा, 10 लाख। यहाँ पे भी ये पेपर में नहीं लिखाना है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, 10 लाख प्लस इश्यू कितने के किए हमने, लेट से 60 लाख के डिबेंचर हमने इश्यू किया है एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो टोटल कितना बन गया, 70 लाख। अब डिबेंचर सस्पेंस मेरा एसेट है, उसको एसेट साइड पे लिखूं या लायबिलिटी से माइनस कर दूं बात, तो ये हमारा प्रेजेंटेशन था। जितना भी डिबेंचर सस्पेंस होता है उसको हम यहां से क्या कर देते हैं, माइनस। और अब मेरी टोटल लायबिलिटी कितनी बन जाएगी करंट ईयर की, 60 लाख टू बी शोन इन करंट ईयर। वहीं यहां पे अंशिता हरित, अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं होता तो यहाँ पे कितना आता, 60 लाख, माइनस भी कितना होता, 60 लाख, तो बचता कितना, फिर ओपनिंग बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं होती। दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। द ओनली थिंग टू बी केप्ट इन माइंड इज देयर माइट बी सम क्वेश्चंस वेयर दे से वी हैव टेकन अ लोन ऑफ 50 लाख एंड इश्यूड डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, व्हाट्स द वैल्यू, नहीं बताया, तो लोन कितने का लिया, लोन कितने का लिया, 50 लाख। तो बेयर मिनिमम इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी की भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 50 लाख, दैट्स बाय डिफॉल्ट, नहीं बताया, ये बाय डिफॉल्ट हम कहते हैं कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा तो हमेशा होता है, वो तो हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हैज टू बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ लोन। बट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, the value of debentures to be issued as collateral security has to be at least equal to the amount of, so is that clear? Come to question number 20. Sukriti a question likhe where he failed to pay the loan and lien on debenture is created. आज नहीं करेंगे, आज पहले नॉर्मल वाला करेंगे। ओके, एक्स लिमिटेड या देखेंगे, मूव करेगा तो आज ही करते हैं। क्वेश्चन कहता है गिव जर्नल एंट्रीज एंड एक्सैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए उठा लिया क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू हम बहुत सारी चीजें रिवाइज कर जाए। कहता है एक्स लिमिटेड इश्यूड डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4 पर डिबेंचर फुल स्टॉप कॉमा एंड इश्यूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। तो अब मैं साथ में कॉन्सेप्ट नंबर 3 भी स्टार्ट कर रहा हूं, जो बड़ा सिंपल सा था, व्हेनेवर एंड वेयरएवर, बोल भी चुका हूं, व्हेनेवर एंड वेयरएवर रिडेम्पशन इज एट प्रीमियम POR एंड लॉस ऑन इश्यू मे बी ऑन द चलते हैं। नाउ ये क्वेश्चन कहता है
हमने डिबेंचर इश्यू किए एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4. आज आगे बेटा नेक्स्ट क्लास में मत आना, मतलब मैं वापस भेज दूंगा, याद रख. ओके, तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड, क्योंकि अब एप्लीकेशन खाली नहीं लिख सकता ना, क्योंकि सारे पैसे एक साथ मांग. देन परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू एसपीआर, क्योंकि डिबेंचर लायबिलिटी है, क्रेडिट हो गया, और एसपीआर प्रॉफिट है, वो भी क्रेडिट हो गया. नाउ हमने डिबेंचर कितने इश्यू किए, 25,000 ऑफ रुपीज, तो लायबिलिटी कितने से बनी, 25,000. एसपीआर कितना, 1,00,000. और अगर वो बोलता है एसपीआर 4%, तो 4% किसका निकाल देता, 25,00,000. इट्स वन एंड द सेम थिंग. अब मेरे पास एप्लीकेशन में कितना पैसा आ गया, इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा. इधर देखो बच्चों, मैं जान के ऐड कर रहा हूं आपको समझाने के लिए. अबव डिबेंचर समझाने के लिए, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%, यानी दीज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ. तो आप चुपचाप अपनी इश्यू की एंट्री तो पहले लिख ही दो, बस आप क्या करना है, पीओआर और लॉस ऑन इश्यू कितना परसेंट, किसका, ये एक एक्स्ट्रा ऐड होगा. अगर गलती से इस क्वेश्चन में लिखा होता दैट द अबव डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, 7%, जो भी, रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो हमारा वो बाय डिफॉल्ट रूल लग गया, कौन सा, POR क्रेडिट एंड लॉस ऑन इश्यू डेबिट, POR क्रेडिट एंड लॉस ऑन इश्यू डेबिट. अब चलते हैं आगे. ऑन द सेम डेट, मैंने इस क्वेश्चन में क्यों लाइन ऐड किया, अंशिता जरा ध्यान रखना, और इसकी सुप्रीति फोटो भी खींच लेना, पहले क्वेश्चन की खींच लो, अबव डिबेंचर रिडीम, ताकि ये चेंज के साथ में कर रहा हूं, बाद में ग्रुप पे डाल दे, फटाफट कर सुप्रीति. On the above date, it purchased fixed assets of 10 lakh and took over liability of ₹70,000. रुक जाओ, हाँ, क्योंकि वो आगे तो payment की बात शुरू हो गई. तो can we write fixed asset account debit to liabilities तो vendor में कितना लिख दूं, 9,30,000 as बैलेंसिंग फिगर. और अगर वेंडर भी दिया होता तो ऊपर बचा तो गुडविल, नीचे बचा तो कैपिटल रिजर्व. अब इसके बाद आर्यन मलिक क्वेश्चन कहते हैं, पेड 4,00,000 इन कैश एंड बैलेंस बाय इश्यू ऑफ ₹5,00,000. फिर से उसने खुद बता दिया, तो आराम आराम से चलते हैं. सबसे पहले वाई लिमिटेड इज द रिसीवर एंड कैश इज गोइंग कितना, ₹4,00,000. आप चाहो तो सेकंड और थर्ड एंट्री को क्लब कर सकते हो, मैं अभी अलग अलग लिखता हूं. देन अब मुझे बताओ, बिना सोचे समझे मैंने बोला था वाई लिमिटेड जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, कितने से क्रेडिट में 9,30,000, कितने से डेबिट हो चुका है 4,00,000, तो बचा कितना. यानी अगर मुझे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़े तो मैं 5,30,000 को डिवाइड कर दूंगा 9, 10 या 11. 9 मतलब डिस्काउंटेड वैल्यू, 10 मतलब पार वैल्यू, और 11 मतलब प्रीमियम. तो इसके बदले इस बार आप क्या दे रहे हो, डिबेंचर्स 9%, कितने के, सिर्फ 5,00,000. नंबर निकालने नहीं है, उसने खुद दे दिया ₹5,00,000. अब यार नीचे बच गए, क्या करो, एसपीआर, क्योंकि थर्ड एंट्री में ऊपर बचता है तो डिस्काउंट, नीचे बचता है तो हमने उस कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार कवर अप कर लिया. बट यहाँ पे एक चीज और करनी पड़ेगी मुझे, क्या, POR क्रेडिट एंड लॉस ऑन इश्यू, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में ऐड किया हुआ है, ताकि आपको वो आदत पड़ जाए, जब भी ये बकवास लिखी आ जाएगी मुझे अपने इश्यूड डिबेंचर की एंट्री में प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस फॉलो करना ही करना है, विच सेज POR क्रेडिट एंड लॉस ऑन इश्यू डेबिट.
तो अब इस बार किसका 5 लाख, क्योंकि इस बार फेस वैल्यू अंशता कितनी है 5 लाख, तो इसलिए क्रिश 5 लाख का कितना निकाल दिया पुत्र? चलते हैं आगे। ऑन द सेम डेट इट टुक, बिकॉज ये क्वेश्चन मेरे को इसलिए इंपॉर्टेंट लगता है, इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ के 6 मार्कर दे हैव कवर्ड एवरीथिंग, 5 मार्कर, 6 नहीं है 5। ऑन द सेम डेट इट टुक ए लोन ऑफ रुपीज 6 लाख फ्रॉम द बैंक एंड इश्यूड डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। सो व्हाट इज द एंट्री फॉर टेकिंग लोन, व्हाट इज द अमाउंट? आई थिंक 6 लाख ना, या ना? मुझे इसके अगेंस्ट अब क्या इश्यू करना है? डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो रिया जेला मेरी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर कितना वो तो मैंने भी रह चुकी है, यस 6 लाख। व्हाई? बिकॉज अगर क्वेश्चन नहीं बताता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिबेंचर इश्यूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इट हैज टू बी equal to at least the amount of loan, और loan कितने का लिया है? 6 लाख का, तो इसलिए आपको issued as collateral security भी कितना करना है? 6 लाख। अब सुनो, ये भी मैंने अपने पेपर में कवर किया था, इस एंट्री में प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस फॉलो, क्यों? क्योंकि ये तो जूठी मूठी की लाइबिलिटी है। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू कवर। जब जब आपने अपने डिबेंचर इश्यू किए और क्वेश्चन में गलती से लिखा था, क्या लिखा था सोनाक्षी? That these debentures are redeemable at a premium of whatever. तो हमने कहा था POR, credit or loss on issue. But इस वाले केस में नहीं कर रहा, because here the debentures are issued as collateral security. जो मेरा जूठी मुठी का एसेट और जूठी मुठी की लाइबिलिटी था। चाय पिला दियो बेटा। जो मेरा जूठी मुठी का एसेट और जूठी मुठी की लाइबिलिटी, तो इस एंट्री में लॉस ऑन इश्यू टू POR, because ये फेक है, यानी झूठी मुठी का एसेट और झूठी मुठी की लायबिलिटी है। डन। अभी तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, यही एक ऐसी बैलेंस शीट है जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अलावा भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। मैंने कहा हमारी बैलेंस शीट में सबसे पहले आप क्या लिखते हो? इक्विटी एंड, देखो वो फॉर्मेट आपको याद करना, मैं तो बस बता सकता हूँ। उसके बाद क्या लिखते हो? शेयर होल्डर फंड। उसके बाद लिखते हो आप ए नंबर पे, हमारे केस में नहीं, हम सीधे क्या लिख देंगे? रिजर्व एंड, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो है, उसकी अमाउंट अभी हम निकाल के देख लेते हैं। इसको आप बोल दोगे नोट्स टू अकाउंट नंबर 1। फिर उसके बाद सीधा आ जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नोट्स टू अकाउंट नंबर 2, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। इट्स ए कोइंसिडेंस, वी हैव नथिंग टू शो एज प्रीवियस ईयर, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस अगर होता तो वो भी हम प्रीवियस ईयर में रिकॉर्ड करते, because previous year का मतलब क्या है? जो last year से carry over हुआ, और last year से जो carry over हुआ वही तो मेरा opening balance होगा। तो अगर कुछ debenture outstanding उसने mention किया हुआ है, तो you write it. अब आ गया हम notes to account। सबसे पहले मैंने बनाया reserve and surplus, SPR, जल्दी मत करना, SPR। अगर मैं इस क्वेश्चन को ओरिजिनली बात करूं, पहले ओरिजिनली कर रहा हूं, बाद में अपने क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाऊंगा, मेरे को दोनों बतानी है। मेरे इस क्वेश्चन में तो ये लैंग्वेज नहीं लिखी हुई थी ना ओरिजिनली, इसका मतलब प्लीज ध्यान देना, ये जो मैं बार बार लिख रहा था लॉस ऑन इश्यू डेबिट POR क्रेडिट, ये लिखने की जरूरत, लॉस ऑन इश्यू डेबिट POR क्रेडिट, ये लिखने की जरूरत, क्योंकि क्वेश्चन में तो लिखा नहीं। डन। अब आगे चलते हैं, हमारे इस क्वेश्चन में कहीं पे भी, सुनते जाना बेटा ये बहुत जरूरी है, कहीं पे भी डिस्काउंट ऑन इश्यू अगर आता तो मुझे उसको राइट ऑफ करना ही करना, मुझे उसे राइट ऑफ सबसे पहले किसके अगेंस्ट? दूसरे नंबर पे कैपिटल रिजर्व, और तीसरे नंबर पे जनरल रिजर्व, और मे बी स्टेटमेंट ऑफ करूंगा, वो वाला भी एक क्वेश्चन, बट सिंस कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है तो मैंने वो डिस्कस किया। अब
मेरा एसपीआर टोटल कितना है, देखो यहाँ पे कितना क्रेडिट हुआ क्रिश और यहाँ पे कितना हुआ श्रेय, तो टोटल एसपीआर कितना 130 और इसके बाद मेरी एंट्रीज में कहीं पे भी सुप्रीत एसपीआर डेबिट, तो यानी मेरा एसपीआर का बैलेंस कितना 130। आप यहाँ पे लिख दोगी 150,000 और चाहो तो आप उसको ब्रेकअप में ऐसे भी दिखा सकते हो। फर्स्ट वाला एसपीआर किसके अगेंस्ट आया था सुप्रीति, अगेंस्ट इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, और ये वाला आया था अगेंस्ट इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन। तो आप यहां क्या लिख सकते हो, इश्यूड फॉर कैश 1 लाख फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश 30, तो टोटल बन गया 1 लाख। ये मैं बता रहा हूँ ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर, जब आप घर पे ये प्रैक्टिस करोगे आंसर्स हैं आपके पास, बट हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेजेंटेशन नोट्स को अब हम जरा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। रिया क्रेश ध्यान देना हमारे क्वेश्चन, प्लीज इधर देखो लॉस ऑन इश्यू कितने, लॉस ऑन इश्यू कितने, टोटल लॉस ऑन इश्यू कितने, टोटल लॉस ऑन इश्यू कितना है 150। लॉस ऑन इश्यू डेबिट, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये रूल है डिस्काउंट और लॉस को आपको सेम ईयर में राइट ऑफ करना ही करना है, तो जितना डेबिट कर रखा है उतना क्रेडिट कर दो। सबसे पहले सुप्रीत क्या यूज करते हैं, एसपीआर। एसपीआर तो मेरे पास कितना है मेरे दोस्त, दूसरे नंबर पे क्या यूज करते हैं, कैपिटल। देखो रटा आपने मारना, मैं तो याद दिलाऊंगा, कैपिटल रिजर्व नहीं है। तीसरे नंबर पे क्या करते हैं, जनरल रिजर्व, वो भी नहीं है। तो अब चाहे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है चाहे नहीं है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, मुझे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल यूज। मैं इसी क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि टाइम के हिसाब से मैं आपके साथ कर रहा हूँ, सो दैट मैं मेजर कॉन्सेप्ट पूरा इस चैप्टर का कवर कर। तो कितना, अब मेरे पास टोटल रिया कितना 130 था, इसमें से आपने यूज कर लिया राइट ऑफ करने के लिए पूरे का पूरा, और आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना आ गया, कपड़े बना के क्योंकि डेबिट बैलेंस है, बिकॉज डेबिट हुआ है उसका कोई क्रेडिट बैलेंस हो, अगर होता तो मैं शायद माइनस करके जैसे एसपीआर में दिखाया वो दिखा देता, बट इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का तो कोई बैलेंस 20,000। तो अब जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटे, जब आप बुक का ही क्वेश्चन अंशिता हरित करोगी वहां पे 130 आ रहा होगा। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, स्निग्धा कहाँ से याद आ गई सोनाक्षी, बिकॉज उस क्वेश्चन में तो हमने रिडीमेबल एट प्रीमियम का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया ही नहीं, रिडीमेबल एट प्रीमियम का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया ही नहीं। अब आ गया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वो आपका नॉर्मल है। सबसे पहले क्या लिख दूं, जी स्कूल में पूछ लेना, मेरा मन नहीं कर रहा बैंक लोन लिखने का, हमेशा पहले क्या लिखते हैं हर किताब में क्या है डिबेंचर, सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सैंपल पेपर में दिया है, तो प्लीज स्कूल में एक बार वापस क्रॉस चेक करो। बैंक लोन, हमने बैंक लोन कितने का लिया था इस क्वेश्चन में, 6 लाख। यहाँ पे लव लेटर लिख देना, सिक्योर्ड अगेंस्ट इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। उसके बाद परसेंटेज डिबेंचर, कितने इश्यू किए सुकृति 25 लाख, कितने इश्यू किए हर्षवर्धन 5 लाख, 25 + 5 = 30, कितने और इश्यू किए 6, तो टोटल इज 36 लाख, और इसमें से क्या माइनस कर दो दोस्त, यस श्रेय भाटिया शौर्य पत्रा डिबेंचर विच इज, तो बचा कितना, तो टोटल लाइबिलिटी कितनी। ज्यादातर बच्चे क्रिश इतना ही करके आएंगे, बट इस क्वेश्चन के अंदर तो आपने लाइबिलिटी भी टेक ओवर की, सो ये आपकी क्या आ गई, अदर करंट लाइबिलिटी या अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, कुछ भी लिखा ना बाय गिविंग ए नोट, क्योंकि उसने बताया नहीं ना कौन सी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर की है या प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट की है किसकी है, तो यू विल शो इट एज अदर करेंट या नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो मैंने यहाँ पर लिखा अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी, कितना टेक्निकली साइलेंट है ना, छोटी अमाउंट है, इसको करेंट लाइबिलिटी कर लेना, सब बुक वही करती है। करेंट लाइबिलिटी कितना, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अंशिता, इस क्वेश्चन में आपने और क्या टेक ओवर किए,
fixed assets. Which is a part of non-current asset? Which is a part of 90% question या 99% question सिर्फ यही कर रहे होते हैं हम, राइट? इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं. यही एक क्वेश्चन है जिसमें वो इतनी सारी चीजें दे भी रहा है और मांग भी रहा है. दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन बिकम्स इंपॉर्टेंट. सो हम इसका टोटल नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन बस 99 खींच के छोड़ देंगे. फिर आ जाएंगे हम एसेट साइड पे और वहां पे लिख देंगे नॉन करेंट एसेट और लिख देंगे फिक्स एसेट. दैट्स इट. क्वेश्चन ओवर. मुझे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट जो बना के बतानी थी मैंने आपको बता दी. आप फोटो खींच सकती हो. All right. So, मेरा concept issue of debenture as collateral security, various cases of issue भी indirectly cover किए. उसके दो cases और cover करते हैं. Two and five. Issued at premium वाला तो अभी किया था. अब आ गया issued at discount, redeemable at par. They are redeemable at par. तो जब आप issue करोगे, इश्यू में सबसे पहली एंट्री तो हमेशा क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू, दैट इज 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड उसके बाद 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रुपीज 40,000 यानी फेस वैल्यू. तो लिख दो यहाँ पे. और 40,000 के ऊपर डिस्काउंट कितना? 10%, विच इज तो एप्लीकेशन का कितना? तो बैंक में 36. इस बार रिया खन्ना डिस्काउंट का नाम चेंज नहीं हुआ बिकॉज वी डोंट हैव टू फॉलो प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस. बट इससे नेक्स्ट केस जब त्रिशा सेट किया कहते हैं डिबेंचर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट प्रीमियम. तो मन्नत चावला जो माइनर डिफरेंस आता है इसीलिए मैंने इन दो केसेस को एक साथ उठा लिया सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट. अब मेरी फर्स्ट एंट्री सेम ही रहेगी. सेकंड एंट्री जब मैं लिखूंगा 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट लिखो उसको कहां घुसा दो लॉस टू डिस्काउंट लॉस लॉस तो डिस्काउंट की अमाउंट भी किसमें चली जाएगी. अब मैंने यहां डिस्काउंट ऑन इश्यू लिखा लॉस ऑन इश्यू लिखा और आपको याद दिलाया ये नहीं लिखा अलग अलग क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी मेरे टेस्ट में अलग अलग लिख रहे थे. अलग अलग अगर खाली एंट्रीज मांग रहा है तो शायद टीचर नंबर दे दे बट जहां पे वो साथ के साथ लेजर्स मांग लेगा तो वहां पर लेजर तो सिर्फ एक ही बनता है विच इज लॉस ऑन इश्यू जो हम इस क्वेश्चन के थ्रू वापस कवर अप. So 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और डायरेक्टली यहाँ क्या लिख दो लॉस ऑन इश्यू डेबिट टू 12% डिबेंचर टू यहां तक कोई डाउट खत्म. अब डिबेंचर की लायबिलिटी तो किससे बनती है? फेस वैल्यू से. दे आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%. They are redeemable at a premium of 5%. So 5% of and they are issued at a discount of yani loss on issue mein kitna aayega 5% ya 5 plus 5 10% discount ka bhi aayega aur loss ka bhi aayega. So which becomes 10% of which is 4000. So 42 minus 4 balancing figure. अभी तक हमने कवर कर लिया whenever and wherever redemption is at premium POR credit and loss on issue and that too on the second entry or maybe third entry वाला बस क्वेश्चन कर लेंगे. then मेरी तरफ से issue of debenture मैंने 99% तो नहीं 95% revise कर दी. बाकी practice है बच्चों. मैंने major important concept को touch करने की कोशिश की. अब आ जाते हैं किस पे loss on issue account. आपकी इस एंट्री में लॉस ऑन इश्यू डेबिट हो रहा है. लॉस ऑन इश्यू कितने से डेबिट हो रहा है? 4000. क्या ये 4000 डिबेंचर की वजह से आया? क्या ये पीओआर की वजह से आया? क्या ये दोनों की वजह से आया? हाँ, क्योंकि इसके अंदर 5% तो किसका है?
डिस्काउंट का, और 5% किसका है? ऐसे ही है ना उत्तर, आपने जो लॉस ऑन इश्यू में डाला है 5% डिस्काउंट का डाला है और 5% पीओआर का, तो जब उसके अकाउंट में भी लिखो तो 5% किसकी वजह से? पीओआर की वजह से, और 5% किसकी वजह से? डिस्काउंट, और डिस्काउंट किस पे देते हो? तो इसीलिए यहाँ पे डिस्काउंट लिखूं या डिबेंचर? ये गलती आप ज्यादातर करते हो, ये गलती आप ज्यादातर करते हो। सो फार सो गुड। अब आपने इस लॉस को राइट ऑफ करना है, तो सबसे पहले आप क्या यूज करते हो? एसपीआर नहीं है। दूसरे नंबर पे क्या यूज करते हो? कैपिटल रिजर्व नहीं है। तीसरे नंबर पे क्या यूज करते हो? वो भी नहीं है। तो क्या बचा? और वो जानबूझ के पेपर में लिख देगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 10 लाख 10 करोड़, मुझे नहीं फर्क पड़ता पीएनएल में चाहे डेबिट बैलेंस है चाहे क्रेडिट बैलेंस है। If I don't have SPR, if I don't have capital reserve, if I don't have journal reserve, I'm left with no other option but to use statement of. So statement of P&L debit or loss on issue credit. ज़्यादा से ज़्यादा demand करो। Debit क्या होगा? ऊपर वाली entry होगी issued at premium वाली। सुनना मत। मान लो ये एंट्री होती कौन सी? इश्यूड है, तो यहाँ पे 2 SPR आ जाता। लेट से SPR आता 1000, तो फिर मैं 4 में से 1 SPR से राइट ऑफ करता और बाकी 3 स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से करता। सो फार सो गुड। ये भी मैंने टेस्ट में कवर अप कर रखा है। ऑल अबाउट दिस, मेरी तरफ से जो लास्ट बचा वो ये बचा, क्वेश्चन नंबर 27 और एक क्वेश्चन और, वो आप लोग गलती करते हो, दो कराऊंगा, एक अपना वो इन लोगों को जो टेस्ट दिया था वो भी अभी आपके ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा सब इंटरेस्ट और डिस्काउंट और प्रीमियम ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन रिया फुल फेस वैल्यू। अब ये फुल फेस वैल्यू वर्ड क्यों यूज किया है मैं वापस बताता हूँ आप लोगों ने जो टेस्ट में भी गलती की और कुछ लोग करते हैं। क्वेश्चन कहते हैं, लग्जरी कॉस्मेटिक लिमिटेड इश्यूड 30,09% डिबेंचर ऑफ 500 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%। तो रिया कहती है मैं सबसे पहले लिख लूंगी 500 - 20, क्योंकि प्रीमियम होता है तो ऐड करके दिखाता हूँ, डिस्काउंट होता है तो, और क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो डिस्काउंट हो चाहे प्रीमियम हो किस पे होगा? अलॉट। नाउ क्वेश्चन कहता है 500 पेबल एज फॉलोस, 200 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉट। एप्लीकेशन पे कितना? 200। अलॉटमेंट पे कितना? फेस वैल्यू तो 300 है, डिस्काउंट उसी में से थी ना। एंट्री नंबर 1, बाकी बातें तो बात की है। फर्स्ट एंट्री अब क्या लिखूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो गाइस, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% एंड अलॉटमेंट मत बोलना क्योंकि अब तो अलॉटमेंट अलग से हो रहा है, एंड अलॉटमेंट मत बोलना क्योंकि अलॉटमेंट तो अब अलग से। देन 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना? 30 लाख इंटू विच इज 60 करोड़। एप्लीकेशन फिनिश। इस एंट्री में थोड़ी लिखते हैं लॉस ऑन इश्यू डेबिट पी और क्रेडिट, वो तो क्योंकि प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा सब अलॉटमेंट से। व्हेन आई मेक अलॉटमेंट मनी ड्यू, अमाउंट बाद में देख लेंगे, अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है और मुझे पता है दीज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ, तो जो लोग स्मार्ट होते हैं वो यहीं पे लिख के रख लेते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5% ऑफ। रिया के बारे 5% ऑफ, यस अंशित 300। रिवाइज करने की कोशिश की कि मैं भी इसीलिए पहले से लिख देता हूँ, पहले मैं बाद में करता था लोग भूल जाते थे, उनका शुरू से ही लिखने की आदत डाल दो कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट और प्रीमियम ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन
तो 5% किसका फीस देनी, तो 500 उसमें से अलॉटमेंट पे आप 300 मांग रहे। कुछ लोग 300 पे कराते हैं, कुछ गधे 280 पे कराते हैं, पता नहीं क्या क्या कराते हैं। मेरी फेस वैल्यू कितनी है, तो मुझे डिस्काउंट या प्रीमियम किस पे निकालना है, 5% विच इज 25, ये मैंने रफ में लिख के छोड़ दिया। अब डिबेंचर अलॉटमेंट मनी बिकमिंग ड्यू, तो बताओ अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होती है त्रिशत? सिंपल, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, बाकी तो हम बीच में ऐड कर ही लेंगे, गुजारा तो हमें आता ही करना क्या, दो ही चीजें तो डालनी। शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बता दो शेयर के चैप्टर की, वो तो बड़ी बड़ी कर करके याद हो जाती है ना, वो नाम से याद से हो जाती है। ये सुप्रीत अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, देखो जी अगर ये रिडीमेबल एट प्रीमियम नहीं होते तो आपको बोलना चाहिए था डिस्काउंट आल्सो डेबिट। अगर ये डिबेंचर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर ये डिबेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम नहीं होते तो आपको एक नाम और बोलना चाहिए था, डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट। थैंक यू। बट दे आर रिडीमेबल एट, तो डिस्काउंट भी कहां चला जाएगा, तो बस दो नाम और ऐड कर देते हैं विच इज। So far, so अब सबसे पहले किसकी वैल्यू लिखोगे आप सुप्रीत? 30 लाख इंटू यहाँ 280 नहीं लिखना, क्योंकि लाइबिलिटी हमेशा फेस वैल्यू से बनता है, तो यहाँ मैं कितना लिखूंगा 90 करोड़, क्योंकि 300 का डिबेंचर था। बट पैसे मिलने कितने हैं मेरे को यहाँ पे रिया? 30 लाख डिबेंचर पे पैसे मिलेंगे तो 280 ना, क्योंकि 20 रुपए तो मैंने दान में दे दिए, विच इज 84 करोड़। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना? 30 लाख इंटू 25, इसलिए पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था, 7.5 करोड़। अब लॉस ऑन इश्यू में कितना लिखूं रिया? कहती मैं बता दूं, मैं बता दूं यार, ये शकरी जल्दी बता, नहीं तो मैं बता दूंगी। ओ गुआची का बताएगी ना, यस रिया, लॉस ऑन इश्यू में पीओआर लिखूंगा, डिस्काउंट लिखूंगा, या दोनों, बस बात खत्म। इतना क्या सोच रही है, बोलो सर 20 + 25 इंटू 30 लाख, क्योंकि डिस्काउंट भी डालना है उसमें और लॉस भी डालना है, डिस्काउंट भी डालना है उसमें और लॉस भी डालना है। विच इज 13.5 करोड़। और सुनो, मैंने जान के स्टाइल से पढ़ाया आज भैया, अगर आपको ये लिखना आता है, ये लिखना आता है, ये लिखना आता है, टेक इट एज। अगर मैंने 6 नंबर के क्वेश्चन में ये कर दिया तो मतलब आधा एक नंबर कट जाएगा। देखो जहां उस लेजर नहीं मांग रहा तो शायद वो ना काटे, बट जहां लेजर मांग रहा है वहां वो आपका नंबर काट सकता है, हक है उसको। अब बचा एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, ये मेरी बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं, वी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3000, वी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर एंड एप्लीकेशंस वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। ये लिखा उसने, ये तो बड़ा टच्चा क्वेश्चन, वो लिख देगा शेयर्स, सॉरी डिबेंचर्स वर अलॉटेड ऑन, मैं दो क्वेश्चन कराऊंगा अभी ध्यान देना, फ्लो रेटा बेसिस। अब लोग फ्लो रेटा टेबल बनाना शुरू, टेबल बनाओ इस चैप्टर में भी बनाओ, जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे एक बार वापस प्रैक्टिस कर लेना, जो ये फर्स्ट 7 क्वेश्चंस कराए थे, बट कब, जब आप पैसे एप्लीकेशन के अलग, अलॉटमेंट के अलग, फर्स्ट कॉल के अलग मांगते, तभी तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। बट इफ फुल मनी, क्या लिखा है हर्षवर्धन यहाँ पे, फुल अमाउंट इज पेबल ऑन सब शेयर होल्डर के पूरे पैसे, तो जितनी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है ये मार उसके मुंह पे वापस, यानी रिफंड। वो वर्ड फ्लो रेटा लिख के आपको बस रुला रहा है और कुछ नहीं कर रहा, परेशान कर रहा है। सो इफ एंटायर मनी इज कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन,
देन द पिक्चर इज क्लियर. सिंपल जितने शेयर्स की एप्लीकेशन मंगवाई उसको अलॉट करो और बाकी सबको रिफंड करो, वो जो मर्जी बकवास करता रहे. लाइक इसी क्वेश्चन 4000 की एप्लीकेशन आ गई सर, प्रो रेटा 1000 रिजेक्ट, रिजेक्शन मनी, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, वो भी रिफंड, क्योंकि उसको अब मैं रिमेनिंग शेयर्स के अगेंस्ट एडजस्ट, क्योंकि उनके भी मुझे पूरे पैसे मिल चुके हैं. तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर लिखूं, फर्स्ट एंट्री क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन. देखो एंट्री तो सेम ही रहती है. सेकेंड एंट्री क्या लिखूं मानना चाहूंगा, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू SPR. इसके अलावा और कुछ लिखो, ये तो लिखना ही लिखना है बिकॉज दे आर इश्यूड एट प्रीमियम. ये तो लिखना ही लिखना है बिकॉज दे आर इश्यूड एट. और क्या लिखूं मानना चाहूंगा, तो मैं तो अभी बोला तो आई जस्ट वांट टू सी कि किसने समझा. यस राहुल नायर, शौर्य बत्रा, बस यही तो सिखा रहा हूं बेटा कि प्रो रेटा लिख रहा है लिखने दो. हमें जितनी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आई उसको चुपचाप क्या करना है, रिफंड कॉल, वापस देने हैं पैसे. मिले थे तो डेबिट, अब रिफंड करने हैं डेबिट तो. और सबसे पहले इसी की बहस खोल दो, कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है बताओ, हर शेयर होल्डर ने कितने पैसे दिए, 150. 100 तो फेस वैल्यू थी, दे वर इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ, तो बताओ हर शेयर होल्डर ने मुझे कितने पैसे दिए. डिबेंचर अलॉट कितने किए, डिबेंचर अलॉट कितने किए, 3000. एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी, 1 last question, mere taraf se, then you guys are good to go. Ye test paper as an assignment solve kar lena bachcho. चाहे आप यहीं बैठ के अभी पढ़ रहे हो तो यहीं पे सॉल्व कर लेना, जिसको डाउट पूछने डाउट पूछ लेगा, बट इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर, सेकंड वाला तो आपके सैंपल पेपर का ही है, आप लोगों ने किया हुआ है, बट यस फर्स्ट क्वेश्चन कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. पुष्कर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इश्यूइंग ₹5 lakh इक्विटी शेयर्स. सारे पेपर में इक्विटी शेयर की जगह डिबेंचर लिखा आ जाएगा यार, ये नाम ही तो चेंज होगा और तो कुछ थोड़ी होगा. ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ एंड होल अमाउंट इज पेबल ऑन. मेरा पहला सवाल, एप्लीकेशन कितने की मंगवाई, ₹5 lakh का मतलब सुखी फेस वैल्यू होता है और फेस वैल्यू ₹10 थी, तो 5 lakh डिवाइडेड बाय 13 नहीं करूंगा, 5 lakh डिवाइडेड बाय 10 करूंगा, क्योंकि फेस वैल्यू को तो फेस वैल्यू से डिवाइड करूंगा. तो अगर मैंने 5 lakh रुपए के शेयर्स की एप्लीकेशन मंगवाई, यानी मैंने कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मंगवाई. द फर्स्ट मिस्टेक दीज इडियट्स फ्रॉम ISC पीपल डिड इज डिवाइड बाय 13. सो फ्रैक्शन में आ रहा है से, तो क्या बोलूं उससे ज्यादा, उसको किससे डिवाइड करना है, क्योंकि रुपीज इज अ फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू को तो मैं फेस वैल्यू से डिवाइड करूंगा. सो फार सो गुड. क्वेश्चन कहता है द इश्यू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय, यानी टोटल एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई. आज वेडनेसडे, आई वॉन्ट टू ईट चिकन 65,000 शेयर्स की भी, 50,000 शेयर की एप्लीकेशन मंगवाई, ओवर ज्यादा 15,000 आए, तो टोटल कितने है 65. ये भी गलत किया उन्होंने, मुझे नहीं पता क्यों. ओके सो टोटल एप्लीकेशन कितने की आ गई 65.
application for 12,000 shares were, and the balance were allotted on pro rata basis. लोग हैं वो table बना. अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था? उसको करने दो बकवास. जब जब full amount is payable on application है. Simple जितने shares allot करने थे करो और बाकी सारे पैसे को क्या करते? यानी यहाँ कोई pro rata table बनाने की ज़रूरत? तो ठीक है, शुरू करते हैं. इंताक्षरी नंबर वन, फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है? डिबेंचर शेयर्स है, ये शेयर्स है ना, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. आपके पेपर में आप क्या लिखोगे? 2% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट. देन अमाउंट नहीं लिखनी पहले, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. वहां पे परसेंटेज डिबेंचर आ जाएगा टू टू, दैट इज इट. तो चाहे आपकी बुक का क्वेश्चन था जो मैंने मॉडिफाई किया, और अगर वो ओरिजिनल था तब भी आंसर सेम था. ओरिजिनल तो टोचा ही था, उसने बोला 3,000 अलॉट करो और 1,000 रिफंड करो, नहीं रिफंड है. आप प्रो रेटा बोलो तब भी, आप बोलो 12 रिजेक्ट कर दिए बाकी प्रो रेटा तब भी. यानी हर एक क्वेश्चन का क्रक्स इज रिफंड कब? व्हेन द एंटायर मनी इज पेबल ऑन application. When the entire money is payable on application, तो बताओ कितने shares? 50,000. एक share की face value, उस पे SPR. अब आपने total कितने shares reject किए? देखो कैसे, 12,000 तो reject किए ही किए थे, और जो बाकी pro rata allot किए थे वो भी reject किए, क्योंकि उसके पैसे अब मैं remaining shares पे adjust, उसको भी मुझे. तो ठीक है, सीधा ही लिख दो 15,000 into हर शेयर पे हर्षवर्धन कितना पैसा मिला, क्योंकि मेरा लकी नंबर 30, मैं गलती से 10+3=30. सो ये कितना आ गया? 1,95,000. और ये मेरा 5,00,000, और ये मेरा 5,00,000. वो इसलिए करते थे क्योंकि वहां पे कहता था इतने मुझे पैसे चाहिए, और बताओ एक शेयर में 12 रुपए का दे रहा हूं तो कितने शेयर दिए? तो डिवाइड बाय 12. अब वो कह रहा है मैंने ₹5,00,000 के शेयर दिए ऑफ ₹10 ईच, तो बताओ कितने शेयर हुए? पैसे मुझे ज्यादा मिले क्योंकि मैंने हर शेयर पे ₹3 का प्रीमियम. तो ये रुपीज यहां लगने का मतलब ही क्या है कृष्ण पुत्र? वहां तो फेस वैल्यू निकालनी होती थी, वहां फेस वैल्यू दी नहीं होती थी, यहाँ तो फेस वैल्यू दे रखी है. तो नंबर्स निकालने के लिए तो फिर फेस वैल्यू से डिवाइड करूंगा ना उत्तर. डन, लॉक कर दूं. मैंने आज का टारगेट जो मुझे पूरा करना था, मैंने अपने टारगेट्स रखे हैं 3-4 दिनों के. तो आज का मेरा टारगेट था मैं अपनी तरफ से डिबेंचर एक फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज कर दूं. मैंने आपके साथ वो रिवाइज किया, आप बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो. कल का मेरा टारगेट रहेगा रिटायरमेंट. कल शायद 1 या 1.5 घंटा मुझे लगेगा रिटायरमेंट रिवाइज करने में, ज्यादा वो पहले मैं रिटायरमेंट रिवाइज करूंगा फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो. तो अब आपको जो जो डाउट पूछने हैं आप पूछ सकते हो. ये पेपर मैं आपके साथ अभी ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ.